अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद अब हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रपति समेत दूसरे बड़े नेता देश से भाग चुके हैं। मुल्क की आवाज को तालिबान के खौफ में झोंक दिया गया। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिकियों ने अपनों को निकालने के लिए भी अपनी फौजें कूच कर दी हैं। भारतीय विमान अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 12:30 बजे काबुल के रवाना होंगे। दो विमानों को स्टैंड बाय रखा गया है। एयरपोर्ट पर फिलहाल गोलीबारी के चलते आवाजाही बंद है। एयरपोर्ट पर रनवे से लेकर एयरब्रिज तक लोगों की भीड़ है। लोग विमान से लटके पड़े हैं और हर कोई यहां से भाग जाना चाहता है। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें। फिलहाल आपको बता दें कि भारत की तरफ से भी अब से कुछ ही देर बाद ठीक 12:30 बजे विमान रवाना होगा। दो विमानों को स्टैंड बाय रखा गया है। कल जिस वक्त तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था उसके बाद से ही हालात लगातार बिगड़ने लगे थे। तो ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें जहां पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। हर कोई विमान में जगह चाहता है। फिलहाल भारत की ओर से भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिशें लगातार तेज हैं। ठीक 12:30 बजे भारत की तरफ से भी विमान रवाना होगा। दो और प्लेन को तैयार रहने के लिए कहा गया है। तीन सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा मेरे साथ हैं अफगान शरणार्थियों की बस्ती से, हमारे साथ एयरपोर्ट से मौजूद हैं। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी और साथ ही साथ मेरे एक और सहयोगी इस वक्त अफगान एम्बेसी से भी जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले वरुण सिन्हा वहां से मौजूद है। लेकिन पहले कुमार कुणाल, क्या खबर? ठीक 12:30 बजे यहाँ से विमान रवाना होना है काबुल के लिए। लेकिन उससे पहले जो जानकारी है नवजोत, वो दे दे कि दो विमान यहाँ पहुंचने वाले थे। इस वक्त में T3 टर्मिनल जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का, जहाँ पर तमाम अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं जहाँ से संचालित होती है, ये अराइवल है। यहाँ पर हम आपको बोर्ड की तरफ आपको तस्वीर दिखाते हैं। दो काबुल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। काबुल से दो विमान आने थे, एक 1:05 पर, दूसरा 2:15 पर। जो पहला था वो अर्मानिया अफगान एयरलाइंस का था और दूसरा काम एयरवेज का था। दोनों फ्लाइट अभी तक ETA नहीं दिया गया है, जो हमें जानकारी है दोनों फ्लाइट कैंसिल है। तो मुश्किल ये है कि जो इंतजार की घड़ियां हैं, जो लोग वहां से निकल करके हिंदुस्तान पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल अभी आसान नहीं हुई है। हालांकि भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, यहाँ से जो भी वहां पर फंसे हुए हैं भारतीय नागरिक या जो भारत को आना चाहते हैं, उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। 12:30 बजे जैसा आप बता रही थी कि फ्लाइट यहां से रवाना किया जाएगा, ताकि जो वहां फंसे हुए हैं भारतीय नागरिक, उनको लाया जा सके हिंदुस्तान वापस। लेकिन अभी भी बहुत सारी अनिश्चितता का दौर, क्योंकि दो फ्लाइट जो आनी थी वो नहीं आ रही है, ऐसा लगभग तय माना जा रहा है। अब जो भारतीय फ्लाइट वहां जाएगा, किन हालातों में वहां लैंड करेगा, किस तरीके से लाया जाएगा, उस पर सबकी नजर, क्योंकि बहुत कुछ उस पर दारोमदार रहेगा कि जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं वो वापस अपने हमवतन आए, अपने देश लौटे। तो ये अब आगे जो एक तरीके से प्रयास भारत की सरकार की तरफ से कि जो वहां भारतीय फंसे हुए हैं उनको दोबारा यहां लाए। बिल्कुल, जरा वरुण सिन्हा के पास चलते हैं। अफगान एम्बेसी के बाहर से हैं, वहां से क्या खबरें, क्या सूचनाएं मिल पा रही, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त, देखिए कुमार कुणाल बिल्कुल वही बात बता रहा है, यहां से अगर विमान जाता है वहां पर किन सिचुएशन में लैंड होगा, कैसे भारतीयों को वहां से लाया जाएगा, ये सारे इस वक्त चैलेंजेस रहेंगे सामने। वहां से क्या खबर मिल पा रही है वरुण आपको? देखिए निश्चित तौर पे, और शायद यही वजह है कि असमंजस की स्थिति में तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुबह से लगातार अफगान नागरिक जो है वो यहाँ पर एम्बेसी में आके पूछताछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनों से बात करने की, क्योंकि वहां पर नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, वहां पर नेटवर्क जाम किया गया है। इसलिए लगातार इस बात की परेशानी भी है कि इन लोगों को कि आखिर ये लोग अपने परिवार से कैसे बात करें, कैसे उनसे संपर्क साध पाएं, किस तरीके से ये जान पाएं कि आखिर इनके अपने जो वहां पर है वो सही है या फिर नहीं है। तो ये तमाम जो टेंशन है उसके बीच में ये लोग फिलहाल अफगानिस्तान एम्बेसी के बाहर खड़े हुए नजर आ रहे होंगे आपको। अभी जो हालात हैं, आप लोग अंदर भी गए थे, आपने पूछा भी वहां पर, क्या आपको जवाब मिला और अभी की स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? कुछ नहीं, सारी चीज कह रहा है बंदा, कुछ भी नहीं है, कोई ना फ्लाइट है, कुछ भी नहीं है। सारे हमारे रिश्तेदार फैमिली सब उधर बंद हो गया है। उन्होंने भागने के लिए कोशिश कराया, लेकिन कुछ भी हालत, सब चीज खराब है।
आने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, फ्लाइट बंद, रास्ता बंद, सब चीज बंद है, तो कैसे करें। यहाँ पे भी आया पूछताछ के लिए, वो कह रहे भाई साहब हम आपको कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। यूनाइटेड नेशन जो हम उसके अंदर जो रिफ्यूजीज है ये उसका खाड़ है, हम जो रिफ्यूजीज है उनके पास जो गया है वो कह रहे भाई साहब हम कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ हम 10 साल है जी, हम भी यहाँ बंद है, हम भी यहाँ जेल की तरह है, हमारा ना काम है ना कुछ भी नहीं है सर। आपके परिवार से आपकी बातचीत हो पाई अभी तक, या कोई संपर्क हो पाया? सारा सिग्नल बंदी है वहाँ पे, सिग्नल नहीं मिल रहे, फोन सारा स्विच ऑफ है वहाँ पे, और पता नहीं हालत क्या है वहाँ। ये हालात नवजोत समझाने के लिए काफी है कि शायद जो स्थिति बनी है यहाँ पर, ये लोग लगातार इस बात से परेशान है कि आखिर किस तरीके से ये लोग अपने लोगों से संपर्क साध पाए, कोई जरिया निकल नहीं पा रहा है। वहाँ की स्थिति ये लोग याद कर रहे हैं कि 20 साल पहले कैसी थी, और शायद लगातार वो इमेजिन करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसलिए घबराहट इनके चेहरे पर आपको नजर भी आ रही है, वो साफ झलक भी रही है। अरविंद ओझा भी मेरे साथ मौजूद है, अरविंद मैं लौटती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा हम ये बता दें कि आज तक काबुल से लेकर कांधार मजार शरीफ तक हर शहर से खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। काबुल का ताजा हाल क्या है पत्रकार नावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप आज तक पर देख सकते हैं। This is the Afghanan area. You see in a video the Taliban members and some journalists come here for the making the report of the TV and all of theirs, the Taliban members. This car and some other government car now captured by the Taliban soldiers. This is Taliban and group of Emirat Islami. This place is the Afghanan near to presidential place. Near to the presidential place. I am Naveed Sultani making report for the Indian Today from this place. You see, this is Taliban. आपको सीधा लिए चलेंगे, अरविंद ओझा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अफगान शरणार्थियों का कैंप है भूगल इलाके में, वहां पर किस तरह का माहौल, अरविंद ओझा दिखाइए जरा। देखिए हमारे साथ नवजोत इस वक्त अरफा हैं, फिलहाल ये दिल्ली में अकेली हैं, पूरा परिवार इनका मजारे शरीफ काबुल में। आपकी फैमिली से बात हुई? हाँ बात हुई। क्या सिचुएशन है वहाँ पर? वहाँ पर सिचुएशन बोले तो बाहर सब तालिबान में है, जो गवर्नमेंट के गाड़ियाँ है, कार है, ये सब रोड में, मतलब रोड में पड़ा है, बच्चों उसके साथ खेलता रहता है, और सब जगह तालिबान में है। तालिबान, एक सिचुएशन है कि तालिबान ने बोला है सोशल मीडिया पे कि महिलाओं के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, आपको यकीन है, भरोसा है? कैसे यकीन करो, अभी भी वही एक स्थिति में, सिटी नहीं विलेज में, मतलब काबुल नहीं, काबुल से थोड़ा सा दूर है, वहीं पर एक लड़की को वो लोगों लेके जाना था अपने साथ, उसके भाई बोले तो मेरे सिस्टर को कहा लेके जाऊंगे, उसके भाई को मार दिया और उसके सिस्टर को लेके गया, हम कैसे भरोसा कर गए, अभी भी ये कर रहा है। अभी ये रिसेंट कंसीडर, अभी मे बी 3 दिन पहले, उस टाइम काबुल को कब्जा नहीं किया था, दूसरा प्रोविंस को कब्जा किया था, उसी टाइम ये काम को किया। आपकी फैमिली में वहाँ पर जो महिलाएं, उनसे आपकी बात हुई है, क्या वो लोग डरे हुए हैं बहुत ज्यादा? बिल्कुल अरविंद, डरे हुए पहले वो, आप चाहे बिल्कुल चाहे शरणार्थियों का कैंप हो जहाँ पर अरविंद ओझा मौजूद है, वरुण जो की एम्बेसी के बाहर है, जहाँ पर लोग डरे सहमे इंतजार कर रहे थे की कोई तो खबर आखिर वहां से आ रही है। इस बीच 12:30 बजे फ्लाइट रवाना होगी दिल्ली से, इस पर रहेगी नजर, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।